सिनेमैटिक रेडिंग कैसी होती है? सिनेमैटिक रेडिंग ऐसी ऐसी या फिर ऐसी। सिनेमैटिक एक ऐसा वर्ड है जो फिल्म मेकिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, चाहे वो सिनेमैटिक शूट हो, सिनेमैटिक लाइटिंग हो, सिनेमैटिक ग्रेडिंग हो। तो एक्चुअल में सिनेमैटिक ग्रेडिंग क्या होता है? सिनेमैटिक ग्रेडिंग मतलब एक वीडियो है जिसका मूड कैसा है, चाहे वो मूवी है, वेब सीरीज है, कुछ भी, उसका मूड कैसा है, उस मूड के हिसाब से ग्रेड करना। जैसे हम कुछ गानों को सैचुरेटेड कलर करते हैं, वो एक गाना हैप्पी मोमेंट वाला गाना होता है तो उसको सैचुरेशन दिया जाता है, कुछ गानों को डार्क वाइब के साथ, कुछ गानों को सिनेमैटिक ग्रेड के साथ, जैसे आप बोल सकते हैं टिल एंड ऑरेंज वाले कलर के साथ कलर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ और सिर्फ उस गाने के या उस वीडियो के, उस वेब सीरीज, उस मूवी के मूड पे डिपेंड करता है। अगर कोई मूवी पुराने टाइम को दर्शाती है तो उसमें वार्म कलर्स काम में ले जाते हैं, वहीं अगर कोई मूवी में रोबोट या फिर फ्यूचरिस्टिक चीज दिखाई जाती है उसमें ब्लू टोन, सियान कलर टोन या फिर सिनेमैटिक जिसको ग्रेड बोलते हैं वो काम में ले। तो आज हम इस वीडियो में ये ग्रेड करके देखने वाले हैं। इस गाने के बहुत सारे सीन है जो इंडोर और आउटडोर है, अगर आपको किसी और सीन को भी देखना है जिसको ग्रेड कैसे किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस गाने का मैं लिंक दे दूंगा, ये गाना जाके आप देख लो। उसमें से अगर कोई सीन आपको ऐसा लगे कि जो आप सीखना चाहते हो मुझे कमेंट करो, मैं उस सीन के ऊपर भी ग्रेड लाऊंगा। ये शूट हमने कैसे किया था ये इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, वहाँ पे BTS वगैरह मैंने डाल रखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियो को मैं ग्रेड कर रहा हूँ, जिस सीन को मैं ग्रेड कर रहा हूँ उसकी लिंक है, जो सोनी A7S3 फुटेज है, 10-bit कलर ग्रेड के साथ 4K फुटेज है, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हमारी फुटेज है, हम इसको पहले REC 709 में कन्वर्ट करेंगे। तो REC 709 में कन्वर्ट आप मैनुअली कर सकते हो, मैं CST से करता हूँ। इसके बाद हम एक और नोड लेते हैं और उसके अंदर शेडोज और हाइलाइट्स को थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। शेडोज को क्रश करेंगे क्योंकि ये गैंगस्टर काइंड ऑफ सॉन्ग है, तो थोड़ा सा डार्क वाइब चाहिए अपन को, तो हम शेडोज को क्रश करके हाइलाइट्स को थोड़ा सा मेंटेन करके मिड टोन्स को थोड़ा ज्यादा करेंगे ताकि फेस पे ग्लो आ जाए थोड़ा, और शेडोज को क्रश कर दें। एक और नोट लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा हाइलाइट्स को डाउन करने की कोशिश करते हैं कि जो स्काई है ना वो थोड़ा वापस गेन कर पाए, बट स्काई नहीं आएगा बिकॉज अपन रो फुटेज पे काम नहीं कर, पर फिर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हाइलाइट्स से अपन वापस ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नोट लेते हैं और नेक्स्ट इस नोट के अंदर अपन फेस को मास्क करेंगे, क्योंकि पहले अपन फेस को मास्क करके थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा फेस पे ग्लो आ जाए, उसके बाद में अपन हाइलाइट्स और शेडोज को सिनेमैटिक टोन देंगे। तो फेस को ग्लो करने के लिए हमें फेस को पहले मास्क करेंगे, मास्क करने के बाद में फेस को प्रॉपर तरीके से मास्क आप आराम से कर सकते हो, मैं ट्यूटोरियल के लिए थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ। फेस को प्रॉपर मास्क करने के बाद में, क्योंकि फेस का जो स्किन टोन होता है वो मिड टोन में होता है, तो मिड टोन को बढ़ा के फिर फेस के जो स्किन टोन है उसको परफेक्ट सेट करेंगे। वो कैसे करेंगे? स्किन टोन इंडिकेटर होता है दाविंची के अंदर, उसके थ्रू। अगर इस लाइन पे स्किन टोन होता है तो वो एक्यूरेट है, तो हम थोड़ा सा स्किन टोन इंडिकेटर को देख के फेस को ब्राइटन करके थोड़ा सा ब्राइटनेस, फिर मिड टोन्स को कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्मूदनेस आ जाए चेहरे पे, ठीक है? अब देख सकते हो आप डिफरेंस। उसके बाद में हम एक नोड और लेते हैं, दो नोड लेते हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल नोड होंगी। पैरेलल नोड क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं अलग अलग नोड्स के थ्रू। तो हम पहले शेडोज को मास्क करेंगे और फिर हाइलाइट्स को, और शेडोज और हाइलाइट्स को अलग अलग मास्क करके उनको सिनेमैटिक ग्रेड करेंगे ताकि फेस पे इम्पैक्ट ना पड़े और शेडोज और हाइलाइट्स को अपन अलग अलग कलर दे सकें। अब हम शेडोज को थोड़ा सा ब्लू कलर देंगे। अब आप ये सोचो, शेडोज को मैं हमेशा बोलता हूँ क्लीन रखना चाहिए, पर ब्लू कलर क्यों दे रहे हैं? उसका रीजन है, शेडोज और हाइलाइट्स में ब्लू कलर देंगे पहले। कभी भी आपको सिनेमैटिक ग्रेड करना है तो आपके वीडियो में ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, ये रूल होता है सिनेमैटिक ग्रेड का। फिर भी हम ब्लू कलर दे रहे हैं ताकि हम एक बार ब्लू कलर डाल के शेडोज और हाइलाइट्स में उसको शान कलर में थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकें ह्यू के थ्रू, और वो करेंगे हम कर्व से। शेडोज में ब्लू कलर देके उसको शान कलर में कन्वर्ट करके उसके बाद में उसके सेचुरेशन को कम करते हैं, क्योंकि शेडोज के अंदर कभी भी ज्यादा कलर्स नहीं होने चाहिए, वो अनप्रोफेशनल लगता है। हम कोशिश करते हैं कि शेडोज को क्लीन ही रखें, बस इस वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सा उसको ग्रेड में शान कलर दिया है जस्ट बिकॉज वो हमें थोड़ा सा सिनेमैटिक लगे। तो दाढ़ी और इनमें थोड़ा सा कलर देके उसको सेचुरेशन कम किया है ताकि वो अच्छा लगे, सिनेमैटिक लुक है।
उसके बाद में ये शर्ट है मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि शर्ट को थोड़ा सा सेचुरेशन भी कम करें क्योंकि बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, ठीक है। सेचुरेशन कम करके उसके बाद में थोड़ा सा ह्यू भी चेंज करेंगे हम साथ में। तो ये हमने थोड़ा सा इसको ब्लू टोन दे दिया है। उसके बाद हम एक नोड और लेते हैं, इस नोड के अंदर हम थोड़ा सा डार्क करेंगे शेडोज को और हाइलाइट्स वगैरह को मेंटेन करेंगे। तो हमारा ये ग्रेड बनके तैयार हो गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा सिनेमेटिक टोन के साथ हमने ग्रेड किया। इस वीडियो के और भी कुछ सीन्स हैं जिनको आप वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको जाके देख के आप समझ सकते हो कि कौन से सीन में कैसे ग्रेड किया। बाकी इस अकेले सीन को हमने चार तरीके से ग्रेड किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चारों ग्रेड में से कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगा है वो कमेंट करके जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे आपको वो ग्रेड भी कैसी की थी हमने वो भी सिखा पाए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी है कुछ तो मुझे बताओ कमेंट करके, आगे से करेक्शन करेंगे। बाकी ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिनकी ग्रेडिंग आने वाली है, डाविंची रिजोल्वर क्रैश कोर्स भी आने वाला है। अगर आपको कैमरा चलाना सीखना है तो उस पर भी एक 30 मिनट का वीडियो आने वाला है कि कैसे कैमरे को ऑपरेट किया जाता है, प्रॉपर एक्सपोजर सेट किया जाता है। तो सारे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।